कल के इलेक्शन पे कि ये एक प्लान किया हुआ इलेक्शन था, जो इलेक्शन कमीशन ने, जो ऑडियो लीक्स में ये सारी चीजें सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के साथ और इनके साथ मिलके फैसला किया था कि जो हमारे हलके कमजोर थे, जिधर वो समझते थे कि इनका कंबाइंड वोट बैंक हमारे से दुगना है, ये उन हलकों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन करवाया था, तो ये चुने थे। हालांकि हमने तो सारों ने रिजाइन किया हुआ है, तो असूलन तो सबको सारे हलकों में इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्लान करके उन हलकों पे करवाया जिन पे ये समझते थे कि हम सबसे कमज़ोर हैं, और फिर इन्होंने मिलके इलेक्शन लड़ा। ये ज़रूरी है कि पहले तो जो पिछला 2018 का इलेक्शन था तो इन पे तो हर पार्टी का कैंडिडेट था, इस बार इन्होंने जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया, और फिर जिस तरह ये इलेक्शन करवाया गया, यानी डेट्स चेंज होती गई, हम तैयारी करते थे फिर वो डेट चेंज हो जाती थी, फिर पता चला पिछले संडे जी वो अब कराना नहीं चाहते कि जी पुलिस नहीं है। अच्छा, पहले फ्लड का कह दिया, हालांकि फ्लड आया ही नहीं था इन इलाकों में जिधर इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसके बाद फिर ये कहा कि जी हमारे पास पुलिस नहीं है। तो खैर, वो मोमेंटम जो बनाना था कि जो आप कैंपेन करते हैं वो बना भी नहीं। उसके बावजूद मैं इसलिए अपनी कौम का, अपने वोटर्स का, अपने सपोर्टर्स का, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस बाय इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लिया और इनके कंबाइंड कैंडिडेट्स को शिकस्त दी। और जो एक इलेक्शन मेरा जो हारा है कराची का, मैं हमारे पास सारी एविडेंस है, और पीपल्स पार्टी ने खुल के धांधली की वहाँ, जो पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध में करती है। मैं ये भी बता दूं कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे था, इसके ऊपर हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इसका केस सुना नहीं जा रहा। ये हो ही नहीं सकता, ये गैर जानबदार कैसे होगा कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट के पेरोल पे है। और हमें ये पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो ऑडियो लीक्स में ये भी आ गया कि ये नून लीग का खास आदमी है, ये जो सिकंदर सुल्तान है, और हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं है। और ये जिस तरह सिंध का लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए, 15% कैंडिडेट्स खड़े ही नहीं हुए, उनको ड्रा धमका के पुलिस का इस्तेमाल FIRs करके नहीं किया। तो ये जो हुआ है, मैं अब डिमांड करता हूँ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपने डस्का का इलेक्शन, क्योंकि वहाँ कोई 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर RO ने कहा था कि ठीक नहीं हुआ, तो आपने सारा 400 पोलिंग स्टेशंस थे री इलेक्शन करवा दिया था, जो सिंध जो कराची में हुआ इसके ऊपर री इलेक्शन करवाना चाहिए। अब मेरी दूसरी चीज़ जो इसी इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, ये इलेक्शन नहीं था। मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ये इलेक्शन, ये रेफरेंडम है। रेफरेंडम क्यों है? क्योंकि वोटर्स को पता था कि हमने असेंबली में नहीं बैठना। इससे पहले एक KP में इलेक्शन हुआ था, कुरम में मेरे ख्याल में हुआ था, मलाकंड में नहीं, हंगू में हुआ था, हंगू में इलेक्शन हुआ, हमारे एक कैंडिडेट वफात पा गए। उधर भी वो कह के कैंडिडेट लड़ा था कि मैं असेंबली में नहीं बैठूंगा, और फिर वो जीता हमारा कैंडिडेट। फिर इस बारी हमने, सबको पता कि हमने इलेक्शन में नेशनल असेंबली में नहीं बैठना, तो पता था कि हम गलियां सड़कें वगैरह नहीं ठीक कर सकते। उसके बावजूद लोगों ने जिस तरह आके हमें वोट दिया है, इससे ये साबित क्या होता है कि कौम इस वक्त इलेक्शन चाह रही है, कौम इस असेंबली को नहीं मानती, कौम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानती। ये रेफरेंडम ये है कि पाकिस्तान, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, जो कि बाहर के डिक्टेशन के ऊपर चलती है, जो कि पाकिस्तान की खुददारी, हमारी खुद मुख्तारी उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठी हुई है, जिसके लीडर्स 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, जिनके इंटरेस्ट ही पाकिस्तान में नहीं है, जो कि जब मौका मिलता है तो यहाँ से थोड़ा मसला आता है तो बाहर भाग जाते हैं, NRO लेके वापस आ जाते हैं। कौम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, और ये बार बार सामने आ रहा है। हमारा जो पंजाब का बाय इलेक्शन हुए 17 जुलाई को, उसमें भी ये रिजेक्ट हुए,
और उसके अलावा भी जो कराची में बाय इलेक्शन और उसके बाद जो मलाकंड में हुआ, सब में रिजेक्ट हुआ ये। और जो कल वर्डिक्ट है, जो भी इस मुल्क में कूवते हैं, जो इस मुल्क का सोच रही हैं, ये लोग तो मुल्क का नहीं सोच रहे, क्योंकि इनके पास इनका तो स्टेक, मैं रिपीट करता हूं, जिन लोगों के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हों, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, मईशत नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। इनका तो इशू ही नहीं है, इशू तो पाकिस्तानियों का है, जो कि यहां जिनका जीना मरना है, और इशू उन इदारों का है जिनका स्टेक पाकिस्तान में है। तो वो क्या ये देख नहीं रही कि ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, कि ये एक लोग आते हैं अरबों अरबों रुपए की इनकी चोरियां, इनकी करप्शन केसेस। मैं 3.5 साल कहता गया कि ये मेरे से एक ही चीज मांग रहे हैं, NRO, और मैं नहीं दूंगा इनको। मैं 3.5 साल कहता गया, पहले दिन असेंबली में इन्होंने जब तकरीर नहीं करने दी, मैंने कहा कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं NRO के लिए। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको, इनके पहले जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया इनको NRO दे के। 10 साल में पाकिस्तान, या इनके जो 10 साल थे, 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा, मुल्क को बैंकक्रप्ट छोड़ के चले गए और बाहर भाग गए। और फिर जब मुल्क उठ रहा था, फिर इनको ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और फिर NRO दिलवाया इनको। और सारी कौम तमाशा देख रही है कि ये यहां सिर्फ छोटा चोर पकड़ा जाता है, ये बड़े बड़े डाकुओं के लिए कोई और कानून है, इनको कोई हमारा इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ सकता, ये जब मुश्किल पड़ेगी बाहर भाग जाएंगे। और ऐसे बाहर बैठे हुए हैं बड़े बड़े महलात में, जिस तरह के इनकी पता नहीं कोई बाहर कोई कौन सी बिजनेसेस थी, सारा पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। तो कौम ने रेफरेंडम दे दिया है, कौम ने वाजे बता दिया है, इन लोगों को रिजेक्ट कर चुकी है कौम। तो लिहाजा मैं ये आज सारे पाकिस्तान के इदारों को कहना चाहता हूं कि जितनी देर आप इनको बैठने देंगे, जितनी देर ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। हमें कहा जी इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को, इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी थी कि अब हम आइसोलेट हो गए हैं। मैं जब अमेरिका गया था, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा इस्तकबाल किया, जो जिस तरह मुझे उसने रिस्पेक्ट दी और मेरी डेलीगेशन की, सबसे पूछ लें, जनरल बाजवा गए थे तब, इनसे पूछें, किसी से पूछें कि कभी किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की इज्जत दी है। और जब ट्रंप ने उसे, मेरे जाने से पहले जब उसने पाकिस्तान की तनकीद की कि जी उस अफगानिस्तान में हमारा डबल रोल था, मेरी ट्वीट अभी भी पढ़ लें कि मैंने उसको क्या जवाब दिया, तो उसको पता था, यानी उसको सख्त जवाब भी दिया, उसके बावजूद वो इज्जत उन लोगों की करते हैं जो अपने मुल्क की मफादात की हिफाजत करते हैं, नेशनलिस्ट होते हैं, जो अपनी जात के लिए नहीं। ये तो उनको सबको पता है कि इनके पैसे बाहर चोरी के पड़े हुए हैं, तो इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। और जो जो बाइडन के रिमार्क्स हैं, मुझे ये बताएं कि इन्होंने पता नहीं करोड़ों रुपया हमारा डॉलर्स में खर्च किया, जाके बड़े बड़े होटलों में ठहर के, वहाँ जाके TV शो के ऊपर मिन्नतें कर रहे हैं, शहबाज शरीफ जी हमें पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है, हम पैसे अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते। बिलावल भुट्टो चारों तरफ फिर रहा है, वो कभी पाकिस्तान कभी आता नहीं, सिंध का बुरा हाल है, वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहा है। तो क्या फ़ायदा हुआ इस डिप्लोमेसी का कि जब उसने पहले तो हमें, यानी जो मुल्क उनको मुखालिफ समझते हैं, चाइना और रशिया, उसके साथ पाकिस्तान को ब्रैकेट कर दिया, तो किधर गई आपकी डिप्लोमेसी। और फिर जो ख़तरनाक बात उसने की है, उसने ये कहा कि पाकिस्तान दुनिया की खतरनाक जगह है, और उसके साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर दी। अब ये एक पुराना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये 1980 की दिहाई में ये इस्लामिक बॉम्ब का प्रोपेगेंडा चलता था मगरबी अखबारों में। मुझे याद है कि ये पूरी एक कैमे, जो मैंने 5 महीने पहले कहा था कि जब वो हमारे से जो कीमत मांगेंगे हमें बेल आउट करने के लिए, वो सिर्फ एक चीज रह जाएगी पाकिस्तान के पास कि हम उनको वो कीमत अदा करें, और वो कीमत अदा कर दी। आज यूक्रेन का हाल देख लें, आज यूक्रेन कह रहे हैं, यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ना लेते
तो आज हमारे ऊपर हमला ना होता। तो यह हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और इसीलिए मैं अभी आऊँगा बाद में, मैं क्यों मार्च करना चाहता हूँ, मैं क्यों इस इतनी देर डिले भी करता गया कि शायद यहाँ अकल आ जाए किसी को कि इनके हाथों अगर मुल्क रहा तो ये इनको कोई फ़र्क, फिर से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। इनके एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, इनके सारा टबर बाहर बैठे हुए हैं, फ़र्क इस कौम को पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। आज हमारी मीटिंग हुई, हमारी सेंट्रल लीडरशिप की जो सीनियर लीडरशिप है, और हम सारों को जो आज़म स्वाति से किया गया है, उससे पहले शबाज़ गिल से किया गया, उसके ऊपर मैंने शोर मेरे ऊपर खैर कंटेम्प्ट केस भी लगा, दहशतगर्दी का केस मेरे ऊपर हो गया, और तब भी मैं, मेरा मसला तो कस्टोडियल टॉर्चर का था कि एक आदमी को आप किस कानून के तहत आप उसको पकड़ के, या जो गलती की वो अदालत में कानून बने हुए हैं, आप जाके उनके ऊपर एक्शन ले, किस कानून के तहत पकड़ के उसको मारा, टॉर्चर किया, नंगा किया। वो एक और जमील फारूकी, वो भी कोई वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मेरे से ये किया गया। इमरान रियाज को पकड़ के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। तो लेकिन जो आज़म स्वाति से किया, मैं आज अपनी कौम के सामने ये चीज़ इसलिए रखना चाहता हूँ कि एक पाकिस्तानी होते हुए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पार्टी का हेड हूँ, पाकिस्तानी होते हुए ये मुझे इतनी शर्म आई है कि हम अपने लोगों को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, कि हम उनको इस तरह जलील कर सकते हैं। ये ज़रा सुने आप, मैं सारी जो आज़म स्वाति से किया है। 3 बजे सुबह उसके घर के, अच्छा ट्वीट थी उसकी भाई, अगर उसकी ट्वीट थी और उसने जज्बात में आके कोई बात कह दी है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए था कि 3 बजे उसके घर उसके लोग आए, ये FIA के, उसके बच्चों के, उसके उसके पोते और पोती के सामने, 4 साल की और 8 साल की, उनके सामने उसको मारना शुरू किया, एक 75 साल के आदमी को उसको मारा, नौकरों के सामने घर में चीजें तोड़ी, और उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके गए, पुलिस स्टेशन से एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दिया। ये किस कानून के तहत पकड़ा है? ये कौन सा पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है कि आप पकड़ के उनको, उस एक आदमी को एजेंसीज के हाथ में पकड़ा दें? और एजेंसीज ने मजीद उसके ऊपर तशद्दुद किया, उधर जाके उन्होंने उसको नंगा किया, टॉर्चर किया, सेक्सुअली टॉर्चर किया। उसने अदालत में आके बताया कि उसे क्या किया। 75 साल के आदमी से, मुल्क का सेनेटर, कितना बड़ा जुर्म था कि जो उसे ये किया गया। सारी दुनिया के अंदर ये खबर गई, ये सारे बाहर के वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े बड़े अखबारों में ये खबर गई। और खबर क्या गई कि पाकिस्तान के सेनेटर के ऊपर तशद्दुद किया और उसको पकड़ के जेल में डाला। क्यों? क्योंकि उसने आर्मी चीफ की तनकीद कर दी। आप दुनिया जमहूरियत के अंदर ये कोई आर्मी चीफ की तनकीद करने पे ये होता है क्या? ये सजा मिलती है? सो दुनिया के अंदर ये शौक है, लोग हैरत में है कि ये क्या हुआ है। सारे बाहर के अखबारों, मैंने पूरी कटिंग है जो बाहर के अखबारों के अंदर ये चीजें पब्लिश हुई हैं, ये सारी जगह ये खबर पब्लिश हुई है। इससे सबसे बड़ी बदनामी पाकिस्तान और उसकी जमहूरियत की, कि किसी जमहूरियत में तसव्वुर नहीं कोई कर सकता। उसके बाद पाकिस्तानी फौज की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, ये इनकी बदनामी हुई कि ये, इसका मतलब कि फौज आउट ऑफ कंट्रोल है, फौज आर्मी चीफ, ये इसका मतलब कि कोई कानून के ऊपर है, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में? क्या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है? और क्या एक आइन हमें इंसान को डिग्निटी नहीं देता, कि आइन हमारी इज्जत को प्रोटेक्ट नहीं करता कि इस तरह इंसान से किया जाए? और हमने आज फैसला क्या किया, हमने ये फैसला किया, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से, जिनका काम है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करना, मैं उनसे कहता हूँ कि पहले तो आपको, जब वो शबाज़ गिल बता रहा था और फिर वो जमील फारूकी बता रहा था कि उनको नंगा किया गया,
उनके ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए था। और आप मुझे बताएं कि मुल्क के सेनेट को 75 साल नाना और दादा उससे ये किया गया, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है इंसानों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना? हमने ये उसके अलावा फैसला किया, हम पंजाब और पख्तूनख्वा की असेंबली के स्पेशल सेशन कॉल करेंगे इस इशू के ऊपर। दूसरा, हमारे सेनेटर्स सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करेंगे। तीसरा, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करेंगे अब, जिसके अंदर नंबर वन ह्यूमन राइट कमिटी जो जनीवा में ऑन टॉर्चर है, इसकी ICCPR जो उनकी है उसके मुताबिक इसके ऊपर हम पूरा उनके ऊपर पूरा लिखेंगे कि उससे क्या हुआ है। यूनाइटेड नेशंस का जो स्पेशल रेपोर्टर है टॉर्चर के ऊपर उसके पास हम भेज रहे हैं ये। यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास हम ये भेज रहे हैं सारी डिटेल्स। और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन भी है पार्लियामेंटेरियंस की, उनके पास भी हम ये सारा भेज रहे हैं। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सेनेट का चेयरमैन है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसने प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं किए। किसके डर से? क्या सेनेट के चेयरमैन की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि आजम स्वाती के प्रोडक्शन ऑर्डर देते? किससे डरे हुए थे? और मैं आखिर में, जो आदमी जिम्मेदार है इसका, मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं। उसके ये जो सारे तशद्दुद के केस हैं जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी ने मुल्क की बदनामी कर रहा है, ये आदमी इस मुल्क के आइन तोड़ रहा है, और ये आदमी इदारों को बदनाम कर रहा है, ये आदमी इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहा है। और इसने अगर आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है ये आर्मी चीफ को नहीं पता होगा कि ये जो हुआ है, इसने नुकसान पहुंचाया है। और मैं आज डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस जब से ये आया है कभी किसी को सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के धमकियां देर को उठा के ले जाते हैं, जो इमरान रियाज से हुआ, जो ये अरशद शरीफ से हुआ, जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, और हमारे ये जो दो केसेस हुए हैं, एक प्रोफेसर था जो शहबाज गिल, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था, वो एक प्रोफेसर था, उससे ये किया, उससे पकड़ के जो उससे उसके हालात जो देखे, और अब एक सेनेटर से ये किया है। इसके ऊपर फौरी तौर पे मैं डिमांड करता हूँ एक्शन लें, क्योंकि ये बदनाम कर रहा है, ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है ये इंसान, और इसे फायदा कुछ नहीं हो रहा। ये ना समझे कि इससे कोई इदारों की इज्जत करेगा, इससे इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। अब आखिर में मैं लॉन्ग मार्च के ऊपर आता हूं। देखें, मैंने पूरी इंतजार, यानी 25 मई के बाद, 25 मई में हमने कोशिश की कि पुरमन एक प्रेशर डाले जाए, जो कि गवर्नमेंट का, जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है, कि हम आइन के अंदर रहते हुए एक प्रेशर डालें कि एक ऐसा सेटअप ले आए हैं जो कि सारी नज़र आ रहा था कि पब्लिक इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। कभी पाकिस्तान में खुद इस तरह पब्लिक निकली नहीं, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो जब पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही, और इन्होंने वहाँ सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है कि आपने कीमतें लगा के लोगों के ज़मीर खरीद के लोटे बना के तो आपने असेंबली गिराई है, और फिर वाजे आप तो सबको पता चल गया ना साइफर का, क्योंकि मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनका ये जो ऑडियो लीक्स में, कि अब सारों को पता चल गया, पहले तो कहते थे साइफर है ही नहीं, अब सबको पता चल गया कि साइफर है। तो ये बैरूनी प्रेशर, बैरूनी उन्होंने धमकी मिली थी कि जनाब इमरान खान को हटाओ और शहबाज शरीफ को ले आओ, क्योंकि इमरान खान को हटाने में तो शहबाज शरीफ नहीं आना था। तो ये तो सारा वाजे हो गया कि पब्लिक ने ये नहीं एक्सेप्ट किया, और पब्लिक को खास फिर ऊपर से मायशत नीचे ले गए, महंगाई आसमानों पर चली गई, महंगाई कम करने आए थे, 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है आज पाकिस्तान में, तो इंडस्ट्री बंद हो रही है,
एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही हैं, रेमिटेंसेस नीचे जा रही हैं, और सिर्फ एक ही अब सोल्यूशन है कि इस तरह इनको कोई कर्जे दे दे या कर्जे माफ करवा दे। देखें, इस मुल्क की जरूरत सिर्फ एक इस वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन। ये मुल्क जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं तेजी से नीचे, ये सिर्फ अब एक तरह ही निकल सकता है, साफ और शफाफ इलेक्शन जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। जब तक सियासी इस्तकामात नहीं होगी, इस्तकाम नहीं आएगा सियासी तौर पे, मायशत नहीं ठीक होने लगी, क्योंकि मायशत तो नीचे जा रही है। वो दार को लेके आए हैं जो कि खुद एक बहुत बड़ा मुजरिम है, जिसने स्टेटमेंट दी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग की, कि मैम जो 2000 के अंदर इसने मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया, वो जो हुदैबा पेपर मिल का केस था, कि मैं शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर बीबीसी की, कि कैसे वो काजी फैमिली लंदन में बैठी थी, यहां से पैसे भिजवाता था, फिर उनको लॉन्डर करके पाकिस्तान लेके आता था। ये मुल्क को नहीं संभाल सकता है, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ मसला अब ये है कि डरे हुए हैं इलेक्शन से अपने, क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए, रिजल्ट आपके सामने है, सारों ने मिलकर भी इलेक्शन लड़ गया, उसके बावजूद ये नहीं जीत सकते। तो क्योंकि इलेक्शन से डरे हुए हैं, ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेलते जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसलिए इस वक्त मैं इनको आज फिर वक्त दे रहा हूं, ये मेरी मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी, ये अब से लेके अक्टूबर मैं किसी टाइम अनाउंस करूंगा। मैं इनको टाइम दे रहा हूं कि अभी भी आपके पास वक्त है, मुल्क की खातिर अपने आप को बचाने के, बचाते बचाते मुल्क को तबाह ना करें। और मैं अभी भी कहता हूं कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का, अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूंगा। मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है, और मैं आज अपनी कौम के सामने इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ईमान तो अल्लाह पे है मेरा, कामयाबी तो वो देता है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह पब्लिक नहीं निकलेगी जो इस मार्च पे निकलेगी। मैं टाइम दे रहा हूँ, आपके पास है, चंद दिन है, और उसके बाद मैं ये अनाउंस कर दूंगा। एक दफ़ा मार्च हो गई और एक दफ़ा पब्लिक जब सड़कों पर निकलाती है, ये याद रखें कि अब तक हमारी सारी 6 महीने की स्ट्रगल आप देख लें आइन के बीच में रह के किए। हमने जलसे किए हैं, पब्लिक दिखा दिया कि पब्लिक किधर खड़ी है, जलसों में कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। हमने ये भी दिखा दिया कि जब इलेक्शन आया 17 जुलाई का, तब भी कि पब्लिक किधर खड़ी है, अब फिर इलेक्शन में, बाय इलेक्शन जो भी बीच में, सबको पता पब्लिक किधर खड़ी है। और ये मार्च में पता चल जाएगा कि पब्लिक किधर खड़ी है। एक चीज आखिर में मेरी बात, कि देखें श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में पब्लिक जब खुद आ जाती है सड़कों के ऊपर, और वो सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, यहाँ है 22 करोड़ लोगों का मुल्क, और यहाँ एक दफा पब्लिक सड़कों पे आ गई, यहाँ कोई किसी के पास तरीका नहीं है कि उसके बाद केओस को कौन रोकेगा। और अभी तक सड़कों पे क्यों नहीं आई, जो इन्होंने ख़ास तौर पर ये जो 5 महीने में इन्होंने जो महंगाई की है 50 साल में सबसे ज़्यादा, जो बिजली के बिल, सारी चीज़ें जो महंगी हुई और इंडस्ट्री बंद हो रही, इसलिए सड़कों पर नहीं आई, क्योंकि एक पोलिटिकल पार्टी उनको मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज में लेके जाती है और वापस ले आती है। लेकिन एक दफ़ा जब हम मार्च अनाउंस कर देंगे और इस वक्त पब्लिक सड़कों पर ऊपर आ जाएगी, तो ये फिर ये याद रखना कि वो और जिस तरह की पब्लिक निकलेगी, वो फिर उसका कोई गारंटी नहीं कर सकता कि जब इतनी पब्लिक और जितनी तादाद में इंशाल्लाह पब्लिक निकलेगी तो उसका फिर क्या नतीजा आएगा। तो मैं इसलिए आखिर में मैं जो हर कोई जो पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ कर सकता है, मैं उन सारों को और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कहना चाहता हूं कि देखें आपके पास टाइम अब ज़्यादा नहीं है, हम ये अक्टूबर के आगे नहीं जाने लगे, हमने फैसला कर चुके हैं, हमारी तैयारी जिस तरह मैंने कहा तकरीबन मुकम्मल है, और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूँगा। कल के नतीजे के बाद 4 सीनियर जनरल जो है वो आपसे मिले हैं।
इसकी जरा वजाहत कर दें कि क्या वाकई ये दुरुस्त है, और जो टिक्का सानी ने सवाल किया कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो किस लिए? देखिए मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। वो क्लैरिटी मुझे पता क्यों नहीं है, क्योंकि वह नवाज शरीफ डरा हुआ है इलेक्शन से, वो जब तक नहीं फैसला करेगा इलेक्शन नहीं होगा। अब उसको उसको खौफ आया हुआ है कि अगर ये सारी पार्टीज ने मिल के भी और फिर भी नहीं जीत सके तो उनको खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन अगर होंगे तो वह हार जाएगा, और वो डरा ये हुआ है कि अगर और वो चाहता ये है कि ये खींचते जाएं इसको बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि पैसा उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता मुल्क का बेड़ा गर्क को तो। लेकिन वो ये चाहता है कि अगर शायद ये लंबा चलता जाए तो ये जो वेव है तहरीक इंसाफ का ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। और मैं ये सुन रहा हूँ पिछले 6 महीने से कि जी अब गर्मी आएगी तो कम हो जाएगा, अब रोज़े होंगे तो वेव कम हो जाएगा, फिर कुछ ने कहा जी अब ये तो वेव तो बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन वो डरा हुआ है कि वो चाहता है कि थोड़ा टाइम लंबा हो, 10 महीने 1 साल हो जाए ताकि वेव कम हो तब इलेक्शन करवाएं, और तब तक मुल्क को जो नुकसान होता है उसका फिक्र ही नहीं क्योंकि वो तो बाहर बैठा हुआ है। उमर से एक सेकंड जरा उमर से कर लें सर, उसकी परसों शादी हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट है उसकी। जी उमर लोगों ने आपको वोट ज्यादा दिया, लेकिन दूसरे अगर कैंडिडेट मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर आपकी जो पार्टी है वो हारी है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें जो मौरूसी सियासत का एक अंसर था वो आपकी पीटीआई के लोगों ने उसको कबूल नहीं किया? एक तो सर ये बता दें, और साथ सर एक साथ ये छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि जो आपका 25 का जो लॉन्ग मार्च था उसमें और जो आप अनाउंस करेंगे उसमें सर फर्क क्या होगा? देखिए पाकिस्तान बदल गया, और ये जो वो नवाज शरीफ और ये जरदारी नवे की सियासत कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि मुल्क चेंज हो गया, और मुल्क बड़ी तेज़ी से चेंज हुआ है जिसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो सियासी शऊर अब आया है वो कभी पहले था ही नहीं। ऊपर से सोशल मीडिया एक नई किस्म की डेमोक्रेसी है कि जिसके पास फ़ोन है उसकी आवाज़ है, ये कभी पहले था ही नहीं। तो जो पुराने ज़माने में रह रहे हैं ना ये जो नवाज और जरदारी, इनका टाइम ख़त्म हो गया। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये अब जो भी कर रहे हैं ये नहीं जीत सकते, इन्होंने अब हारना है। जहाँ तक आपने कहा ना कि 25 और अब में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि 25 में हमने एक पुरमन एहतजाज की कॉल दी, और हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की शेलिंग होगी, लोगों को उठाया 2 दिन पहले घरों में घुस के जो इन्होंने तशद्दुद किया घरों के ऊपर, औरतें थी वहाँ, यानी मैंने तो कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। इस बारी जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयारी अब ऐसी है कि हमने पूरा, मुझे पता है कि राणा सनाउल्ला जैसे मुजरिम का जेन तो किसी बेवकूफ़ को भी पता है कि वो उसमें अकल तो है कोई नहीं, वो डंडा मारो जी ये मारो ये मारो, और मैंने जो ड्रोन कर दिया तो वो ऊपर से ये कर देंगे। उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा ये चीज़ें करने का जो मैं कर रहा हूँ। आप माइक ले ले सर, माइक में क्वेश्चन सर ले ले सर, सर माइक ले ले माइक माइक सरदार साहब कर ले। जी 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 बोलो। खान साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो एहतजाज है और आपके एहतजाज और गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात नहीं करती, तो आप भी मार्च करते हैं, तो इस तनाव की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि जमहूरियत की जो है बिसात वो लिपटने के चांसेस हैं? और दूसरा ये कि जो सरकारी अफसरान अलाकार बन के जर्नलिस्टों को पॉलिटिशियंस को वो स्क्रू कर रहे हैं, क्या उनकी वो लिस्टें आप बना रहे हैं कि नहीं? थैंक यू। देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो जो इस दौर के अंदर ये 6 महीने के अंदर जिस तरह की फैशिज़म हुई है, जिस तरह का जुल्म किया गया है, जिस तरह की सख्ती की गई है, यानी जिस तरह की जमहूरियत का कत्ल हुआ है, मैं आपको यकीन, हालांकि मुशर्रफ के दौर मैंने कोई दिन जेल में गुजारे थे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मुशर्रफ, क्योंकि मैं तो अपोजिशन में था,
मुशर्रफ का दौर लिबरल था इस मुकाबले में जो अब हो रहा है। मैंने कभी इस तरह की इस मुल्क के अंदर सख्ती, यानी ये जो मैं आजम स्वाती की मैं बात कर रहा हूँ, शबाज गिल की, यानी इस तरह मैंने तो कभी इस मुल्क में ऐसी चीजें नहीं होते देखी। The recent victory of PTI has prompted many analysts that it might win, you know, 2/3 majority in the upcoming elections if they are held. But your political opponents have created an impression, especially in smaller provinces, that if Imran Khan is voted into power again, he might scrap 18th Amendment and might introduce presidential system. So there are many nationalists, especially in Balochistan and Sindh, the province from where I belong to, who are very apprehensive about this. And then PTI recently made it very clear that it wants all the institution to be in their constitutional domains. This is what PPP used to claim in the past, Noon League used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between you know, PTI and the government, that at least they should agree that this is something that should be done? Dekhiye, main aapko bataun hamara problem kya hai opposition ke sath. Jo opposition hai na, ye democrats nahi hai, ये क्रिमिनल्स हैं, ये मुजरिम हैं। कौन कौन है जो कि NRO लेता है, मुझे बताएं, आज तक किसी डेमोक्रेट को तसव्वुर कर सकता है कि मैं असेंबली में जाऊं, मेरे पर अरबों रुपए के करप्शन के केस हैं, मैं कानून पास के अपने सारे केस माफ करवा लूं? ये कभी किसी दुनिया की डेमोक्रेसी में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि आप पब्लिक के मफादात की हिफाजत करने आते हैं। आप पब्लिक का पैसा चोरी करके कानून पास करके माफ नहीं करवा सकते किसी जमहूरियत में। तो मैं पहले दिन से, ये गवाह है मेरे कॉलीग्स, मैं इनको कहता रहा कि इनको डेमोक्रेट ना समझो, ये मुजरिम है। ये मैं 30 साल से इनको जानता हूँ कि इन्होंने किस तरह दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है, और इनसे डायलॉग आप जितना भी करेंगे वो आके फंस जाएगा कि जी हमें NRO दे दो। और मैं जब कहता था, ये सारे कहते थे जी कौन मांग रहा है NRO, अब आते साथ ही पहला ही काम किया कि अपने आप को NRO दे दिए। तो इनसे डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है। डायलॉग आप उनसे करते हैं, मसलन बलोच नेशनलिस्ट हैं, सिंधी नेशनलिस्ट हैं, आप इन सबसे डायलॉग करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर डायलॉग करके आप कंसेंसस डेवलप करते हैं। लेकिन जो चोर है उनसे आप कैसे डायलॉग करेंगे? वो कहेगा मेरी चोरी माफ कर दो, आप उसकी चोरी माफ करते हैं, आप मुल्क को तबाह कर देते हैं। मुल्क के अंदर मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसलिए मिसाल देता हूं कि वो सबसे अजीम लीडर थे, उनको ने फतह मक्का के बाद सबको माफ कर दिया, यानी जिन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया, सब कुछ किया, उनको माफ कर दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा एक कुरैश की लड़की ने चोरी किया, माफ कर दो, उन्होंने कहा मेरी बेटी भी चोरी करेगा तो मैं नहीं माफ करूंगा। चोरी को जब आप माफ करते हैं, माशरा तबाह कर देते हैं। आपको चोरी, इसका मतलब कि चोरी बुरी चीज ही नहीं है, तो चोरी बुरी चीज नहीं है तो आप तीसरी दुनिया बन जाते हैं। सारी डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर इसी तरह के लोग बैठे हुए मुल्क को चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, इसलिए वो मुल्क गरीब है। जी एक मिनट, वो शिराज अहमद शिराजी न्यू टीवी से सवाल है मेरा। सर शिराज अहमद शिराजी न्यू टीवी से सवाल मेरा ये कि कल के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जीत इदारों के किरदार को कहाँ देखते हैं खान साहब? क्या बकौल आपके न्यूट्रल्स कर वाकई न्यूट्रल्स रहे, और क्या ही तसव्वुर तो नहीं दिया जा रहा कि न्यूट्रल्स कल या ज़िमनी इंतखाबात में न्यूट्रल्स रहकर जो जनरल इंतखाबात थे उसमें जिस तरह आप उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो प्री प्लान दानली करते हैं, तो उसमें वो प्री प्लान दानली करें? देखें, कई दफ़ा गेम उधर चली जाती है कि धांधली के बावजूद भी आप नहीं जीत सकते। अब मैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट मैचेस होते थे तो वो पाकिस्तान, हमारे अपने अंपायर इधर होते थे, उनके अंपायर उधर होते थे, वो हम उधर नहीं जीत सकते थे, वो इधर नहीं जीत सकते थे, क्योंकि टीम मुश्किल में पड़ती थी, अंपायर मदद करने आ जाते थे। मैं वाइस कैप्टन हूँ जो हिंदुस्तान के अंपायरों के बावजूद जीत के आया था। ये हम अंपायरों के बावजूद जीत रहे हैं, लेकिन ये हम अंपायरों के बावजूद, क्योंकि ये जो है ना, ये सिकंदर सुल्तान से बददियानतदार इलेक्शन कमिश्नर मैंने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा, और वो आ ही गया ऑडियो लीक्स में, वो आ ही गया है कि वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है कि अच्छा चुन के ये 8 हल्के रखो ताकि किसी तरह आप दोनों मिलके, तो इलेक्शन कमीशन मिलके हरा रही। इसने हमें इतना नुकसान पहुंचाया। ये इस तरह होता है कि ये नून लीग का एक हिस्सा है, उनके साथ बैठ के इसने जो पंजाब के भी ज़िमनी इलेक्शन थे जो 20 हुए थे बाय इलेक्शन, उधर भी जाके सारा वक्त वो मरियम और उसके साथ बैठा होता था, हमजा के साथ, ये सारा वक्त प्लान हल्के बनाने के अंदर ये सारा इसने उनके साथ मिलकर काम किया है, और इसके बावजूद हम जीते हैं।
लेकिन इलेक्शन कमीशन देखें, इसने सबसे बड़ा जुल्म किया कि इसने ईवीएम मशीन्स नहीं आने दी। अगर ईवीएम मशीन होता ये कराची का इलेक्शन के अंदर मसले ही ना आते। वो आप घुसे हुए हैं पुलिस वाले अंदर और वो स्टैंप्स लगा रहे हैं, ईवीएम मशीन होता तो आप कर ही नहीं सकते धांधली। और हम कहते रहे गवर्नमेंट में बैठे कि ईवीएम मशीन्स लेके आओ। ये इलेक्शन कमीशनर मिला हुआ था नून लीग और इनके साथ और हैंडलर्स के साथ, और ये आने नहीं दे रहे थे मशीन, क्योंकि ये धांधली करना चाहते हैं। सदीक जान, इस वक्त जो हम चीज़ें देखते हैं कि नैब खत्म हो गया, मरियम नवाज बरी हो गई, शबाशी बरी हो गए, हमजा बरी हो गए, ईवीएम खत्म हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट खत्म हो गए, यानी जितनी चीज़ें इस हुकूमत ने आगे करनी थी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं सिवाय एक चीज़ के, वो है मियां नवाज की वापसी। इस वक्त जो नजर आता है वो ये आता है कि दो वजूहत से इलेक्शन नून लीग नहीं जाना चाहती। एक नून लीग इसलिए नहीं जाना चाहती कि वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसका मतलब है नवाज की वापसी, उस पर आप क्या कहते हैं। और साथ ही जो एक ये बहुत खतरनाक एक तासुर बन गया है कि इमरान खान की कामयाबी फौज की बतौर इदारा शिकस्त तस्वुर होगी, तो इस तासुर को आप कैसे जायल करेंगे जिस वजह से शायद इदारे भी इलेक्शन को डिले कर रहे हैं और इलेक्शन की तरफ वो नहीं जाना चाहते। देखिए पहले तो अब मैं यहाँ जरा दो जहन में हूँ, नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, चार बड़े बड़े लंदन के फ्लैट हैं इसके अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए हैं, इससे बड़ा क्या यानी इस सबूत क्या चाहिए आपको। वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये हमारे फ्लैट है, और वो तस्लीम भी तब किया जब पैनामा के अंदर इंकशाफ हुआ, उससे पहले नहीं मानते थे। उससे पहले तो कहते थे लंदन तो छोड़ो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो जब पकड़े गए उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया, अभी तक नहीं बता सके कि वो पैसा किधर से आया। अब आप उस आदमी को चले एक एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो, मेरा तो पूरा दिल है, क्यों देखें मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं, मैं तो कमजोर टीमों से खेलता ही मेरा दिल ही नहीं करता था, मैं शायद वाइस कैप्टन था, जब कमजोर टीम आती मैं किसी और को खिलाओ, तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और तो उसके साथ मेरा मुकाबला हो। लेकिन साथ साथ ये सोच लें कि फिर हमने मुजरिमों को यानी जुर्म में कोई बुरी चीज़ ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे वैसे जो एनआरओ मिल गया अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करें। लेकिन 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 वो इतना डरपोक आदमी है, वो तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा ना हो। जिमखाना क्लब के अंदर आज भी किसी से पूछ लें, बड़े लोग हैं या अभी जो खेलते थे हमारे साथ, ये सलमान लोगी से पूछ लें, जो वो पहले अपने अंपायर लेके आता था दोनों तरफ, फिर खड़ा होकर बैटिंग करता था, बल्कि वो एक दो सहाफियों ने भी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो कभी खेल ही नहीं सकता मैच से इतना न्यूट्रल अंपायर से। इदारों की आपने कहा, देखिए कौन चाहता है कि अपने मुल्क के इदारों के साथ आपका मुकाबला हो, यानी वो तो अपना ही नुकसान कर रहा है ना, मुल्क का नुकसान है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का किसी भी इदारे के साथ अगर क्लैश होता है, अदलिया हो फौज हो, नुकसान तो मुल्क का है। और हमने पूरी कोशिश की है, हालांकि कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है, मैं ये कहूँगा कि हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुँचे। राना सनाउल्लाह साहब रोज़ कहते हैं जी कि फोर्स का यूज़ करेंगे अगर आप इस्लामाबाद आए, और आप कह रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद आऊँगा, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई और यहाँ पे चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गईं और किसी थर्ड फोर्स को इंटरवेन करना पड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार ये होंगे, ये अगर पहले तो जो भी होगा जिम्मेदार तो ये होंगे चोर जो सिर्फ आए हैं अपनी चोरी अपनी NRO लेने के लिए, इनका तो और कोई मकसद अगर है तो मुझे बता दें। और दूसरी चीज़ देखिए वो टाइम हमारा, कब हमने कोई मुझे बताए ना, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, कब हमने कोई चीज़ आइन के बाहर की है? मैं अब सारे लोगों से हल्फ लेता हूँ हर जगह कि उन्होंने पूरी तरह हमारे साथ खड़े होना है आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए, लेकिन साथ कहता हूँ कि आइन के दायरे के अंदर रहेंगे, आइन की पासदारी करेंगे, क्योंकि मैं डेमोक्रेट हूँ। ये वो लोग हैं, तीन दफ़ा इनकी इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की, फजल रहमान आए, ये सारे कंटेनर पर इकट्ठे खड़े थे, क्या हमने कोई तशद्दुद किया, कोई हमने टियर गैसिंग की, कोई हमने इनके अगेंस्ट FIR काटी? तो ये जो एक मुजरिम, क्योंकि ये तो है ही एक कातिल आदमी, इसका आपको पता है कि ये आबिद शेर अली का बाप कहता था इसने 18 कत्ल किए हैं, कोई कहते हैं 18 भी 25 या 24 किए, जो भी है ये आदमी को और इसकी अकल में, इसको तो
पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसने तो यही स्टूपिड बातें करनी है ना। लेकिन हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पुरमन एहतजाज किए हैं अपने आइन के दायरे में रह के, जो कि हमारा हक है, हमारा मेरा आइन मुझे इजाज़त देता है पुरमन एहतजाज करने का, ये पुरमन एहतजाज होगा। हम तो कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना कभी पहले किए। खान साहब, गुज़श्ता रोज़ आप 6 ज़िमनी इंतखाबात में जीते हैं, नंबर 1 कौन सी निशस्त रखेंगे? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ कब तक इलेक्शन चाहती है? क्योंकि अगर आप कहते हैं फौरी इंतखाबात, तो इलेक्शन कमीशन को भी 2 माह का टाइम चाहिए होता है, और 28 नवंबर तक एक अहम जो तैनाती होनी है, उस तैनाती का क्या किया जाए? और सेकेंड चीज़, अगर ये तैनाती मौजूदा हुकूमत कर देती है, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा इस पर बड़ा क्लियर है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का आइन ऑर्डर करता है उसको कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, अगर वो नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन को उठा के बाहर फेंके, क्योंकि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जहाँ तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया, जो जब बाहर बैठा होता तो सारा जिसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं, 10% से ज़्यादा चोरी करता है वो, ये लोग, इस तरह के लोग मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को पॉइंट करने के लिए? जो फिर से मैं कहता हूं कि वो सारा मुल्क की सिक्योरिटी डिपेंड करती है, आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए, ना किसी और का आदमी होना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर ऐसी, और मैं बात कर रहा हूं कामयाब जो ममालिक हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती है। इनको सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपने जजेस चाहिए, अपने FIA का हेड चाहिए, इन लोगों को अपना नैब का हेड चाहिए, जो इन्होंने मिलके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना नैब का हेड रख के तब मुल्क को लूटा था। उन लोगों को चाहिए जिनको कोई इस मुल्क के कानून तोड़ने होते हैं, या उनको पैसा चोरी करना होता है, या चोरी करके पैसा बचाना होता है। उन लोगों को इदारों को कंट्रोल करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। मैंने 3.5 साल में मुझे एक बताएं कि जो मैंने मेरिट के बगैर कोई भर्ती की हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कौन आर्मी चीफ है जब तक वो मेरिट में है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट जुडिशरी हो, क्वालिटी के हमारे जजेस हो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस ऊपर जाएगी। हम FIA के, मैंने पूरी कोशिश की, दयानतदार आदमी FIA का हेड बनाया, नैब हमारे हाथ में ही नहीं थी। आप IGs देख लें, ये शहबाज शरीफ IG लेके आए जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट और के अंदर करप्शन में इसके ऊपर आया हुआ, उसको बना दिया इसने इस्लामाबाद का IG, क्योंकि करप्ट लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मैंने किसी को नहीं माना था, तफ्तीश करते थे कि जो सबसे मेरिट के ऊपर था उनको हम बनाते थे। ओके जी, थैंक यू। वो अभी बाद में देखेंगे।